नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ गुप्ता है। मैं मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में कैंसर सर्जन हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हेड एंड नेक यानी मुंह और गले के कैंसर्स है। तो आज हम मुंह और गले के कैंसर्स की बात करेंगे। इनको कॉमनली हम माउथ कैंसर भी कहते हैं। सो माउथ कैंसर इज़ अ मेजर हेल्थ कंसर्न इन इंडिया। पुरुषों की बात करें तो ये सबसे कॉमन कैंसर है और महिलाओं में स्तन और सर्विक्स कैंसर के बाद तीसरे नंबर पर मुँह और गले के कैंसर्स पाए जाते हैं। इनका मुख्य कारण तंबाकू का सेवन है। तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में किया जाए, चाहे स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ई सिगरेट्स, या चबाने के फॉर्म में हम गुटखा, जर्दा, सुपारी, पान, किसी भी तरह से अगर तंबाकू का सेवन किया जाता है तो ये पाया गया है 90% कैंसर में, मुंह और गले के कैंसर्स में तंबाकू एक कारण है। और 30% कैंसर डेथ्स तंबाकू के कारण होती है। तो आप सोचिए, अगर तंबाकू का इस्तेमाल कम कर दिया जाए तो मुंह और गले के कैंसर्स को हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। दूसरा मुख्य कारण है अल्कोहल। अल्कोहल लेने वालों में 6 से 7 गुना ज़्यादा रिस्क होता है, बशर्ते जो अल्कोहल नहीं लेते। और प्रॉब्लम है, अगर तंबाकू और अल्कोहल दोनों कोई व्यक्ति लेता है तो ये 1 और 1 = 11 का काम करता है और लगभग 35 से 40 गुना रिस्क मुँह और गले के कैंसर्स का बढ़ जाता है। इसके अलावा मुंह और गले के कैंसर्स के मुख्य कारण हैं किसी भी तरह का क्रोनिक इरिटेशन, यानी कि लंबे समय से कोई दांत अगर किसी जगह पर चुभ रहा है और घाव बन रहा है तो समय के साथ वो घाव नासूर कैंसर में तब्दील हो सकता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से मिर्च मसाला, गरम खाना खा रहे हैं, या इवन सुपारी के सेवन से भी सुपारी से होने वाले चोट से कैंसर में बदलाव आ सकता है मुँह में। कुछ प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस हैं जिनमें समय के साथ कैंसर में तब्दील होने के चांसेस रहते हैं। किताबें कहती हैं 3 से 5% चांस हैं लगभग 10 से 15 सालों बाद, बट उनमें भी कैंसर बन सकता है। तो तंबाकू की बात करें तो विश्व में तंबाकू का सेवन लगभग 609 मिलियन यूज़र्स करते हैं और जिसमें से 40% यानी 241 मिलियन यूज़र्स हमारे भारत में हैं। इसीलिए शायद इंडिया को हम ओरल कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। अगर हमारे शहर दिल्ली की बात करूँ तो 24% लोग दिल्ली में कैंसर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में। हर साल दिल्ली में लगभग 10,600 मौतें हो रही हैं सिर्फ तंबाकू के सेवन के कारण। हिसाब लगाएं तो ये लगभग 29 से 30 डेथ्स पर डे पे आती है। रोज़ के 29 से 30 लोग सिर्फ तंबाकू के कारण अपनी जान खो रहे हैं। एक और सर्वे बताता है कि दिल्ली में लगभग 80 से ज़्यादा बच्चे डेली तंबाकू का सेवन स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जो कैंसर के रोगी हमारे पास आ रहे हैं उनकी स्टेज बढ़ती जा रही है। पहले अर्ली स्टेज, स्टेज 1 या 2 में आते थे, आजकल एडवांस स्टेजेस में पेशेंट्स आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है कि मरीजों की उम्र घटती जा रही है। 25 साल 18 साल 30 साल उम्र आजकल कोई बार नहीं रह गई है, किसी भी उम्र पर ओरल कैंसर पाया जा रहा है। और यही कारण है कि हम लोग तंबाकू के अगेंस्ट काफ़ी कैंपेनिंग करते हैं कि तंबाकू का इस्तेमाल कम किया जाए। अभी मैंने बात की कि 80 से ज़्यादा बच्चे तंबाकू का सेवन स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि बच्चे, ज़्यादातर बच्चे अपने टीन्स में यानी 18 से 20 साल की उम्र के आसपास तंबाकू का सेवन स्टार्ट करते हैं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं? मैं समझता हूँ सबसे पहला कारण है पीयर प्रेशर। स्कूल में अपने दोस्तों को स्मोकिंग करता देख होने लगता है कि यही बस सब कुछ इसी में है, और उनसे मिलने जुलने में, उनसे दोस्ती बनाने के लिए कई बार हम प्रेशर में आके स्मोकिंग या तंबाकू का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। दूसरा कारण है, फिल्मों में हमारे हीरो जब कश भरते हैं और फाइटिंग करते हैं तो एक फॉल्स सेंस ऑफ मैचोइज्म यानी एक मर्दानगी वाली फीलिंग आती है कि बस सिगरेट पी ली, इसी से हम मर्द बन सकते हैं। तीसरा कारण, हम अपने घर परिवार में अपने माता पिता को या अपने सगे संबंधियों को स्मोकिंग करते देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, हम भी कर सकते हैं। और छोड़ने का आंकड़े की बात करें तो 95% लोग तंबाकू नहीं छोड़ पाते स्टार्ट करने के बाद। Less than 5% ऑफ द पीपल यूजिंग टोबैको अल्टीमेटली क्विट। तो क्विट रेट इतना कम है, और इसके भी क्या कारण है, क्यों हम छोड़ नहीं पाते? आम जनता ज़्यादातर सोचती है कि डिपेंडेंस हो जाता है जी, फिजिकल या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, बट वो बहुत लेट स्थिति में होता है। शुरू का कारण तो है कि जब हम 18-20 साल के होते हैं हमें इतना
सीरियसनेस ही नहीं होती कि इससे आगे कुछ होगा, तो वी डोंट गिव अ डैम एटीट्यूड के अरे यार मुझे कुछ नहीं होगा, इट वॉन्ट हैपन टू मी, अगर मेरे पिताजी को नहीं हुआ, आप उतने सालों से पी रहे हैं तो मुझे क्यों होगा। तो इस भावना से कई बार हम छोड़ते नहीं हैं, या कई बार बागी भावना होती है कि दुनिया ने मुझको कुछ नहीं दिया तो मुझे किस बात का डर है, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, कुछ होगा तो मुझे होगा, इस भावना से हम नहीं छोड़ते। या फिर अल्टीमेटली पीयर प्रेशर, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हमें लगता है कि जो स्कूल का जो बहुत फेमस लोग हैं वो पी रहे हैं तो मैं नहीं पीऊँगा तो मैं उनसे दोस्ती कैसे बनाऊँगा, तो उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चक्कर में शायद हम नहीं छोड़ पाते। अब तंबाकू के कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसकी बात करता हूँ। सबसे कॉमनली हमें लगता है कैंसर, लेकिन कैंसर ही नहीं, तंबाकू हमारे शरीर के हर हिस्से को डिस्टर्ब करता है, हर सिस्टम को परेशान करता है। हार्ट की बीमारियाँ होती हैं जिसमें बीपी बढ़ सकता है, आपको हार्ट की स्ट्रोक हो सकते हैं, आपके नाड़ियों में खून का बहाव कम हो सकता है जिससे पैरों की हाथों की उंगलियों में कालापन आ सकता है, लंग्स की बीमारियाँ हो सकती हैं, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, इस तरह की बीमारियाँ, या प्रेगनेंसी में लो बर्थ वेट हो सकता है बच्चे का, या बच्चा प्री मेच्योर डिलीवर हो सकता है, छोटे बच्चों में लंग की परेशानियाँ। आजकल आप देख रहे हैं हमारे यहाँ हर बच्चे के पास अपना खुद का नेबुलाइजर है और घरों में ही पेरेंट्स नेबुलाइजेशन कर रहे हैं बिकॉज हवा में ही इतना पॉल्यूशन है कि उनके फेफड़ों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसके अलावा हेल्थ दूसरी प्रॉब्लम जो कि मैं बात कर रहा हूँ कैंसर, तो तंबाकू शरीर के हर हर हिस्से का कैंसर कर सकता है। मुंह से शुरू करें, मुंह, अन्न नली, पेट, फेफड़ा, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, आप नाम लीजिए और उस हिस्से के कैंसर में तंबाकू का रोल है। तो कैंसर तंबाकू हर हिस्से को कैंसर कर सकता है। हेल्थ की बात ना करके अगर मैं सोशल बात करूँ तो तंबाकू के कारण सिर्फ एक पेशेंट ही परेशान नहीं हो रहा, उसका पूरा परिवार, उसके बच्चे भी अफेक्ट होते हैं। आप अपना सारा आमदनी अगर तंबाकू पर खर्च कर देंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, घर कैसे चलेगा, और इसी कारणों से क्राइम रेट बढ़ जाता है। तो सामाजिक असर भी बहुत है तंबाकू का, इसके साथ इकोनॉमिकल बर्डन बहुत है। एक सर्वे 2011 में शायद भारत में एक सर्वे हुआ था जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट ड्यू टू टोबैको वॉज अराउंड 1,04,500 करोड़, 1,04,500 करोड़ रुपए सिर्फ तंबाकू जनित बीमारियों पर बहाए गए। अगर इतना ही पैसा किसी और कंस्ट्रक्टिव काम में यूज़ होता तो काफ़ी फ़र्क पड़ता। इकोलॉजिकल बर्डन भी है, पर्यावरण भी इससे ख़राब हो रहा है। तंबाकू एक कैश क्रॉप है जिससे किसान को काफ़ी फ़ायदा होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़मीन पर तंबाकू की खेती करना पसंद करते हैं। एक सर्वे के अनुसार 400,000 हेक्टेयर भूमि हमारे भारत में तंबाकू की फार्मिंग में इस्तेमाल की जाती है। न सिर्फ भूमि खराब हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बल्कि तंबाकू बनाने का एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं क्योरिंग, जिसमें तंबाकू को थोड़ा सेका जाता है तो उसके लिए लकड़ी जलानी पड़ती है, तो अंदाजन 300 सिगरेट बनाने में एक पेड़ काटना पड़ता है। तो आप सोचिए कितनी लाख सिगरेट्स डेली यूज़ हो रही है, हर 300 सिगरेट्स पे एक पेड़ कुर्बान हो रहा है। दूसरा, सिगरेट्स की जो बर्ड्स हैं वो इधर उधर फेंक दी जाती हैं, उनका डिग्रेडेशन टाइम बहुत ज़्यादा है और वो जाके सीवेज ब्लॉकिंग करती हैं, गंदगी फैलाती हैं, तो पर्यावरण को भी नुकसान है। तो तंबाकू न सिर्फ कैंसर कर रहा है, आपको दूसरी बीमारियां भी कर रहा है, आपके समाज पर असर कर रहा है, आपकी जेब पर असर कर रहा है और आपके पर्यावरण पर असर कर रहा है। तंबाकू से होने वाले कैंसर्स का मुख्य लक्षण जनरली मुंह में कोई भी आपका छाला जो कि हील ना हो रहा हो, 3-4 हफ्ते उसका इलाज लेने के बावजूद भी कोई छाला है जो ठीक ना हो रहा हो, तो वो एक कैंसर हो सकता है। उसका इलाज कराइए, वो अपने डॉक्टर को दिखाइए। कोई भी अल्सर जिसमें से बिना किसी कारण से ब्लीडिंग हो रही हो वो एक रिस्क फैक्टर है। दांतों का बिना किसी कारणों के हिलने लगना, मसूड़ों में सूजन आना, आपकी आवाज़ में कोई बदलाव आना, खाने पीने में कोई तकलीफ होना, गटकने में मुश्किल आना, या फिर गले में किसी तरह की गांठें आ जाना भी मुंह के कैंसर्स का शुरुआती लक्षण हो सकता है। अच्छी बात यह है कि मुंह और गले के कैंसर्स स्टेज 4 यानी चौथी स्टेज में भी क्योरेबल होते हैं, तो चौथी स्टेज में भी अगर उनका सही इलाज किया जाए तो हम उनको क्योर कर सकते हैं। टू कंक्लूड, अगर हम तंबाकू और तंबाकू से बने अदर उत्पादों का सेवन कम कर दें तो हम मुंह और गले के कैंसर्स को बहुत हद तक रोक सकते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। धन्यवाद।